हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 को लेकर अलर्ट है पुलिस महकमा। नेपाल बॉर्डर पर बरती जा रही है विशेष चौकसी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी ने दी जानकारी। तहसील बांसगांव के सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस। 99 में से 3 मामलों का मौके पर हुआ निस्तारण। मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने निस्तारण की गुणवत्ता की जांच। पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने निकाला बाइक जुलूस। 6 फरवरी से होने वाले महाहड़ताल में शामिल होने की अपील। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संचार एवं सुंदरीकरण विषय कार्यशाला का हुआ आयोजन। मीडिया के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने पर हुई चर्चा। सदर तहसील सभागार में एसडीएम सदर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। फरियादियों की फरियाद को सुनकर समस्याओं का किया गया निस्तारण। 6 रोग मुक्त भारत की ओर बढ़ते कदम विषय पर वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स द्वारा जागरूकता कार्यशाला का महापौर और जिला 6 रोग अधिकारी ने किया उद्घाटन। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लेखपाल संघ ने निकाला मशाल जुलूस। 12 को मोटरसाइकिल रैली तथा 19 फरवरी को बुद्धि शुद्धि यज्ञ की दी चेतावनी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रभारी के ऊपर नई दिल्ली के एक व्यक्ति द्वारा फेसबुक पर किए गए अभद्र टिप्पणी का युवा कांग्रेसियों ने किया विरोध। कैंट थाने में मुकदमा दर्ज करने का दिया तहरीर। छात्रवृत्ति प्रतिपूर्ति की मांग को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। किया पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति दिए जाने की मांग। ओबीसी कैडर के छात्रों का छात्रवृत्ति वितरण सहित 2 सूत्रीय मांग को लेकर एनएसयूआई के छात्रों ने मंडलायुक्त कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। डिप्टी सीएम को प्रेषित किया ज्ञापन। चौरी चौरा शहादत दिवस पर अमर बलिदानी भगवान अहिर व शहीद भगत सिंह को किया गया याद। भगवान अहिर के प्रतीकात्मक फोटो चित्र पर पुष्पांजलि किया अर्पित। समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष अमर अग्रहरी के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट गोरखपुर से मिलकर सौंपा ज्ञापन। पीड़ित परिवार के बच्चों के लिए आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी की मांग। मानदेय की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। मांगे पूरी नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। और मौसम ने बदली करवट। पश्चिमी विक्षोभ के कारण के सर्द हुआ वातावरण। राहगीरों को हुई कुछ दिक्कतें। किसानों के चेहरे पर दिखी खुशी।